खरेकर आणि अतुल परचुरे. मी या दोघांबद्दल काय सांगू, आपण सगळेजण ओळखता. सुचित्रा आणि अतुलने अनेक नाटकांमधून कामं केली आहेत, मराठी चित्रपटांमधून कामं केली आहेत, सिरियलमधून केली आहेत, हिंदी चित्रपटांमधून कामं केली आहेत, ॲड आहेत, खूप खूप काम केलं आहे. मी त्या दोघांनाही रंगमंचावर बोलावते. अतुल आणि सुचित्रा बरोबर मी खूप काम केलं आहे. सुचित्रा मॅडम आणि अतुल सर, अमोल सर. मला खरं तर बोलता येत नाही, पण तरी कॉन्फिडन्सच्या बाबतीत जर बोलायचं झालं तर हो, मी मला ह्या गोष्टीचं फारच बरं वाटतं की ही हे काम करते. कारण मला आठवते की साधारण 90 सालामध्ये मी सुरेशजींकडे शिकत असताना गात होतो क्लासमध्ये, पण मला स्टेजवर उभं राहायची फार भीती वाटायची. त्यामुळे तो कॉन्फिडन्स त्यावेळेला मला येण्यासाठी मला 4-5 वर्ष फारच मेहनत करायला लागली. नंतर अजित, अनुपम, मानसी हे सगळं ग्रुपारेलचा ग्रुप भेटला, मी त्यांच्याबरोबर काम करायला लागलो, गायला लागलो, आणि कुठेतरी थोडा थोडा तो कॉन्फिडन्स वाढायला लागला. स्वरमानस सिंगथॉन 28 ये कॉम्पिटिशन एनीबडी कॅन सिंग,
नॉन प्रोफेशनल लोगों के लिए है, बेसिकली सब बाथरूम सिंगर्स है जो अपने अपने फील्ड्स में एकदम सर बॉस है, पर गाने में भी उतने ही टैलेंटेड है पर उनको करियर करने को नहीं मिला। तो वैसे लोगों को हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म दिया है और ये अभी टाइम पे तीन कैटेगरीज है, ए बी सी, ए फॉर एडल्ट्स, बी कैटेगरीज 10 to 15 years एंड सी कैटेगरीज 4 to 9 years। तो ये सब 4 से लेके 80 साल तक सब लोग इधर पार्टिसिपेट हो रहे हैं और फाइनल्स में मुझे आई एम ग्लैड टू अनाउंस कि फाइनल्स में 3 सीनियर सिटीजन्स भी सिलेक्ट हो गए हैं। तो अभी देखते हैं कैसे हो रहा है कंपटीशन और हम लोगों को बहुत सारे लोगों की स्पॉन्सरशिप इन काइंड एंड इन कैश मिली है और एम वी पेंडूर का ज्वेलर्स गोल्ड कॉइन्स दे रहे हैं एडल्ट कैटेगरी के लिए, किड्जेनिया किड्स के लिए बहुत सारे वाउचर्स दे रहे हैं, भारत साइकिल हम लोगों ने, या आप अगर देख रहे हो तो ये साइकिल बी कैटेगरी के बच्चों को मिलेगी, फर्स्ट बच्चों के ना फर्स्ट प्राइज विनर को, एंड सी कैटेगरी के लिए भी एक साइकिल है और किड्जेनिया के पासिस भी है, शुद्धि करके सैलून स्पा है उनके वाउचर्स है, स्लिमिंग सॉल्यूशंस के हैं, ए फॉर आर्ट के हैं, ऐसे बहुत सारी चीज़ें सब लोगों को मिल रही है। तो सब लोग खुश है और खुश होके ही जाएंगे, ये हम लोगों ने फैसला कर दिया है कि निर्मल आनंद होना ही चाहिए। तो आज के लिए यहाँ पे जजेस कौन होंगे जो डिसाइड करेंगे कि कौन जीतेगा, कौन? ओके, जजेस यहाँ पे हम लोग के यहाँ अनुपम घटक जी आए हैं, वो ताल वादक है शंकर महादेवन जी के, वो मेन परकशनिस्ट है और वो 1987 से वो शोज़ कर रहे हैं बाहर गांव के, इधर के बहुत सारी फिल्म भी की है उन्होंने। और अजीत परब वो म्यूज़िक डायरेक्टर और ग्रेट सिंगर है, तो वो भी एक जज है, ऐसे दोनों मिलके वो लोग जज करेंगे दोनों बाकी सब कैटेगरीज को। जो कंटेस्टेंट्स हैं उनको कुछ विश करना चाहेंगे? यस यस ऑफ कोर्स, कंटेस्टेंट को तो ऑल द बेस्ट, बहुत अच्छा होगा परफॉर्मेंस डेफिनेटली, और बेसिकली दिल खोल के गाना सब लोग, यही मेरी दुआ है। और भी नेक्स्ट ईयर के लिए हम लोग कैंसर पेशेंट्स के लिए करने वाले हैं, तो बहुत सारा रिस्पॉन्स हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थँक्यू। मी तयारी केली म्हणजे मी लहानपणापासून गाणं असं स्टेजवर वगैरे म्हटलेलं आहे आणि मला लहानपणापासून गाण्याची खूप आवड आहे आणि इथे यायच्या अगोदर मी दररोज सकाळ संध्याकाळ दुपार मी मुलाला म्हणून दाखवायची, कसं म्हणते रे तू, मग रेकॉर्डिंग करायचं त्याच्या ह्याच्यामध्ये, तू मला वाचून हे करून दाखवायचं की हे बघ इथे तुझी चूक होते, इकडे तुझं बरोबर आहे, आणि त्याप्रमाणे मला सुधारत गेले। आणि आजचा परफॉर्मन्ससाठी किती एक्साइटेड, नर्वस? खूप का? नाही, एक्साइटेड आहे, नॉट नर्वस, आई एम व्हेरी एक्साइटेड। थैंक यू सो मच। सानी गुरुजी में हमारा फर्स्ट राउंड हुआ था, बहुत लोग थे एंड सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे थे एंड डिफिकल्टी से आई थिंक सिलेक्ट हुए होंगे सब, बिकॉज सब अच्छे थे। आपने क्या तैयारी की है आज के परफॉर्मेंस के? तो मैं श्रेया घोषाल का जादू है नशा है गा रही हूँ। तो मैंने अभी इस हफ्ते में आई थिंक रोज़ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस किया और अब वो गाना अच्छे से आ रहा है और नर्वस हूँ बट हो जाएगा। थैंक यू। परफॉर्मेंस के लिए क्या तैयारी की है और क्या कहना चाहेंगे, कौन से गाने पे परफॉर्म करने वाले? मैं लागा चुनरी में दाग गाने वाला हूँ। तैयारी 4-5 दिन से चल रही है, अच्छा लग रहा है, सिलेक्ट हुआ हूँ। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, कौन से गाने पे परफॉर्म करने वाली है और आज क्या तैयारियां की है आज के? मैं गा रही हूँ एरी पवन लता मंगेशकर जी का और काफ़ी जोरों शोरों से परफॉर्मेंस की तैयारी हो रही थी क्योंकि काफ़ी अच्छे जजेस हमारे लिए आए हैं यहाँ पे, तो काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी हमारे लिए यहाँ स्टेज पे परफॉर्म करना। सो एक्साइटेड, नर्वस? गुड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, एक्साइटेड एज वेल एज नर्वस। थैंक यू सो मच। थैंक यू। परफॉर्मेंस तो मैं अपना जो 100% देने की कोशिश करूँगा। यशुदास जी का गाना गा रहा हूँ मैं, माना हो तुम बेहद हसीन। और यहाँ पे जो इन्होंने सिलेक्शन किया है उसके बारे में बोलना है क्योंकि कोई पार्सलिटी नहीं माल, मतलब ऐसा कुछ नहीं लगा, बहुत अच्छे से इन्होंने चॉइस किया है सब जो कंटेस्टेंट दिए हैं और हम अपना बेस्ट देंगे। थैंक यू सो मच। आज मैं तेरे बिना जिया जाए ना ये गाना गाने वाली हूँ। एक्साइटेड और नर्वस दोनों 50-50 बोथ है, पर आई विल गिव माई 100% ओवर। मेरी एज 70 है, मैंने इस साल 2-3 कॉम्पिटिशन में भाग लिया था लेकिन यहाँ मुझे जजेस का जजमेंट बहुत अच्छा लगा और इतना इनकरेजमेंट वो बच्चों के लिए तो किया है और हमारे लिए भी बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम है यहाँ। और मैं गाने वाला हूँ 1959 कन्हैया का, राज कपूर पे फिल्माया गया मुकेश का गाना याद आई आधी रात को। ऐसे तो यूट्यूब पे मेरी चैनल है जिसमें 1000
वीडियोज़ हैं बट वो सब घर पे गाए हुए हैं, तो फर्स्ट टाइम बड़े स्टेज पे आ रहा हूँ मैं। थैंक यू। तो जजेस ने क्या बोला या फिर क्या कुछ कमेंट्स दिए या फिर क्या तैयारी की थी आपने? और तैयारी की थी घर पे, गाना सुना था। तो नर्वस थे गाना गाने से पहले या फिर? थोड़ा थी पर मैं नहीं हूँ नर्वस। थैंक यू सो मच।